अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपना फेवरेट भजन सुना करिए इससे हम लोगों की, ताकि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर के एक्सरसाइज, जो कि हम पूरा कॉन्सेप्ट तो सारा पीछे पढ़ चुके थे, अब एक्सरसाइज बचा हुआ है। काफी बच्चों का डाउट भी आ रहा था, तो एक एक करके आज हम लोग सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1A से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर वन है क्या, एक्सप्रेस 3/5 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। उसके अंदर भी बहुत सारा सब पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5 करके। तो हम दो तीन क्वेश्चन आपको बताएंगे, सेम टाइप का है, दो तीन बताएंगे, आप आगे का बना लीजिए। अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिए, हम सॉल्व करके फिर आपको भेज देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन लिख देते हैं। एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है 20 और क्वेश्चन नंबर 2 है -30। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, तो हम आपको 2 क्वेश्चन ही बता रहे हैं, सेम टाइप का है, आगे 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। अगर डाउट होता है तो फिर आप मैसेज करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वहां पे हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। तो इसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं कि लोग ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। देखिए इसमें एक्सप्रेस क्या करना है, -3/5 हम लोगों को रैशनल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 20 चाहिए। तो डिनोमिनेटर 20 कैसे आएगा, पहले भी लेक्चर में बताया था कि डिनोमिनेटर जब 20 तभी आएगा जब डिनोमिनेटर को हम उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 3/5 है, इसको किस नंबर से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 20 आ जाए। तो चलिए करके देखते हैं। वन नंबर सॉल्यूशन, -3/5 है, इंटू 4 अगर करते हैं ऊपर नीचे दोनों, तो ये हो जाएगा -12/-20। 20 क्या है, डिनोमिनेटर। तो इसका हम लोग को ये याद रखना क्या था, a/b अगर एक रैशनल नंबर है, इंटू m ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि अगर हम लोग a m और m को काट देंगे, अगर m और m कैंसिल हो जाएगा तो आएगा एट लास्ट क्या, a/b ही आएगा। मतलब हम लोग इसको रैशनल नंबर में कोई चेंज हुआ नहीं है, इसलिए दोनों ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों जगह हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बगल में लिख भी देते हैं कि ये प्रॉपर्टी है a/b इंटू एम इंटू एम, यही चीज यहाँ पे अप्लाई की है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है कि डिनोमिनेटर कितना चाहिए, -30 चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए इसमें -30। तो -30 कैसे आएगा, -30 तभी आएगा ना जब -3 और माइनस या नीचे तो 5 है, तो हमको इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। नेगेटिव में भी क्या, तो -6 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -- प्लस हो जाएगा +18 और यहाँ पे -30। बस यही क्वेश्चन इसमें था, और ज्यादा कुछ तो है नहीं। मतलब सीधा सा इसमें कॉन्सेप्ट है कि a/b अगर एक रैशनल नंबर है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर जो दिया हुआ डिनोमिनेटर है वो ना आ जाए। ठीक, तो जो नंबर होगा उसको ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना है ताकि रैशनल नंबर में कोई बदलाव ना हो, कोई चेंज उसमें ना आए। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिए, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। ऐसे सुबह सुबह भजन सुनने से होता है ना कि दिमाग शांत हो जाता है, और प्रभु की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है ताकि हम लोग और ज्यादा अच्छा कर सके अपने एकेडमिक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक्सप्रेस -42/98 एज अ रैशनल नंबर एज अ रैशनल नंबर
विथ डिनोमिनेटर 7, डिनोमिनेटर 7। अब इसमें करना क्या है, ये भी क्वेश्चन सेम है, इसमें एक ही क्वेश्चन है। तो अभी पहले क्वेश्चन में क्या किया हम लोग, मल्टीप्लाई किए। अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें डिवाइड करना है, क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर है हम लोग का ज्यादा दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर कम था, इसमें ज्यादा दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को डिवाइड करके लाना पड़ेगा ना। ठीक, अब देखते हैं, इसमें -42 है, -42/98। तो अब इसको कैसे नंबर से हम लोग डिवाइड करें ताकि नीचे डिनोमिनेटर 7 है। तो सीधा है इसमें कि हम लोग जब 14 से डिवाइड करते हैं 98 को, तभी आएगा ना 7, 14 7 98। तो अब इसको हम लोग ऊपर भी 14 से डिवाइड करना होगा, मतलब यहाँ पे हो गया -3/-7। तो एक्सप्रेस एज ए रैशनल नंबर की डिनोमिनेटर 7, तो ये रैशनल नंबर हम लोगों का आंसर आएगा, -3/7 हम लोगों का आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है। ठीक, अब आगे क्या है, अभी डिनोमिनेटर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉल्यूशन को मिटाओ। सेम क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कहीं पे, बस एक ही कॉन्सेप्ट था डिवाइड वाले में, क्या था, a/b एक रैशनल नंबर दिया है, इसको m से डिवाइड करना है ऊपर और नीचे दोनों को, ताकि हम लोग का जो रैशनल नंबर नया है उसमें डिनोमिनेटर, डिमांडेड डिनोमिनेटर जो रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर आ जाए। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि -48/60 एज द रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर कितना होगा 5 आएगा, इसका डिनोमिनेटर आना चाहिए 5। तो इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें हम लोग का पहला रैशनल नंबर जो दिया हुआ वो क्या 48/60 है। 60 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि डिनोमिनेटर 5 आए, तो 60 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर 5 आता है, 12 5 60, तो ऊपर भी 12 से डिवाइड कर देना, यहाँ पे हो जाएगा -4/5। तो हम लोगों का जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है वो कितना आएगा, -4/5। क्वेश्चन सब देख रहे हैं कितना सिंपल है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ में ना आने के लायक हो, सब कुछ इजी है, बहुत आसान है। इसके बाद भी अगर कुछ नहीं बन रहा है तो आप हमको कमेंट करिए, हम सॉल्यूशन देंगे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप तो नंबर है आप लोगों के पास, नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, सारा सॉल्यूशन मिलेगा। बस आप लोग एक काम करिए, पीछे का जो भी सब कुछ है उसको रिवाइज करते रहिए, और जो भी नीडी पीपल है जिसको भी इस चीज का जरूरत है, जैसे जो कोचिंग वगैरह का फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मिल रहा है तो उसको आप लोग शेयर करिए, ताकि हर इंसान के पास ये सारा चीज पहुंच सके, समझ गए, क्योंकि पैसा हर किसी के लिए बहुत मायने रखता है। ऐसी चीज में पैसा क्यों वेस्ट करें जो फ्री में मिल सकता है, रिसोर्स है हर किसी के पास है, तो उस चीज को आगे बढ़ाइए ताकि पैसा बचे। पैसा इसी चीज को आप लोग बुक में लगाइए, अलग अलग चीज में लगाइए, ताकि अपना पर्सनल डेवलपमेंट हो, हर चीज में पैसा बहुत मायने रखता है, तो उसको देख करके खर्च किया करिए कि कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब तो पता है ना कि ऐसा फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर या फिर ऐसा फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन जिसमें उसके नीचे और ना जा सके, मतलब कैंसल हो के एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट तक पहुंच जाए, इसके नीचे और कैंसल हो ही नहीं पाए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि एक्सप्रेस द रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं कि क्या है इसमें आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है क्या है, -12/30। तो -12/30 कट सकता है, इसमें देखिए कॉमन फैक्टर है, इसका कॉमन क्या है, इसको हम लोग 6 से कटा सकते हैं डायरेक्ट, 6 2 12 6 5 30, -2/-2/5। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, इसमें और कुछ नहीं है, 1 के अलावा इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -2/5 ही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है -14/49। तो सीधा है कि 14/49 किसमें आता है,
7 में, और तो किसी में आता नहीं है, 14 अगर 2 में आता है लेकिन 49 2 में नहीं आता है, तो वो दोनों किस में आ रहा है 7 में, तो इसको हम लोग कटा देते 7 से, 7 2 जा 7 7 जा, मतलब माइनस 2 अपॉन 7। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 24 अपॉन माइनस 64, तो 24 और 64 किससे कटेगा, नहीं समझ में आ रहा, लंबा क्वेश्चन दे दिया इसमें नहीं समझ में आ रहा, तो इसको 2 से पहले कटाइए, 2 जा और हाँ ठीक है 12 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 32 टाइम्स, 4 3 जा 4 8 जा इज इक्वल टू कितना हो गया 3 अपॉन माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, कैंसिल करने के बाद कितना आया 3 अपॉन 8। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और चीज होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और क्या चीज ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा, न्यूमरेटर नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 अपॉन -8 को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, कितना होगा -3 अपॉन 8। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है और ना ही ये नंबर और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसका एक और प्रोसेस है, ये था क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन सबके लिए बनाने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर क्वेश्चन लंबा आ जाए, आपका दिमाग उस वक्त काम नहीं करे और टाइम बहुत कम हो और फिर भी सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन से मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें -12/30 है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, जो नंबर है इसका एचसीएफ निकाल देना, क्या करना है एचसीएफ, तो कितना हो जाएगा 2 times 30 = 24 हो गया, तो इसका एचसीएफ कितना है 6, और इसको 6 से कटाया भी गया है, 6 से कटाया गया मतलब ऊपर नीचे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 6, एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका 6 है, 6 से कटाया 2/5 आंसर आ गया, ठीक है। तो जब कुछ समझ नहीं आ रहा, जब समझ नहीं आ रहा कि आगे कौन सा नंबर से कटेगा क्या होगा, तो उसमें बस डायरेक्ट आपको एचसीएफ निकाल लेना, जो नंबर दिया हुआ उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ जो निकलेगा उसको ऊपर और नीचे दोनों से डिवाइड कर देना, क्योंकि जो एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक सारा कुछ बन गया, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग सब कुछ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 सब सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आज सब कुछ सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तक सारा क्वेश्चन बन गया, जो कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर हम लोग को डायरेक्ट मैसेज करिए, ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, जहां पे भी आप लोग मैसेज करके बस क्वेश्चन हम लोग तक पहुंचा दीजिए, सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, चलिए। और बस थोड़ा सपोर्ट आप लोग भी बना करके रखिए, जो जिस इंसान को इस चीज का जरूरत है, जैसे जो गरीब है, जो चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग्स वगैरह, उन लोग तक इस चीज को पहुंचाइए, ताकि उन लोग भी पढ़ाई कर सके, एजुकेशन हर किसी का राइट है, कोई ऐसा नहीं है कि अमीर इंसान पढ़ेगा या गरीब पढ़ेगा, हर किसी के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को मिलना चाहिए, ठीक है। तो बस आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।